जी, ये हमारा परसेप्शन है देखने का। हम तो वो जो कॉरपोरेट सेक्टर में रेवड़ियां बढ़ती हैं, हम उसको भी गलत कहते हैं, और यहां रेवड़ियां बढ़ती हैं उसको भी हम गलत कहते हैं। मैंने तो कम से कम कम इस फोरम में जितने भी लोग हैं जिनको लगातार हम सुनते हैं, उन्होंने तो किसी को एक को रेवड़ी कहा और दूसरे को रेवड़ी नहीं कहा, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन कई जगह सरकार जो ये काम करती है उसके उसके कुछ गोल होते हैं, उसके अचीवमेंट, उनको कुछ अचीव करना होता है इसलिए काम करती है। उद्योगपतियों को धन इसलिए दिया जाता है, और कई जगह बड़े बड़े कानून और बाकी सारे निगलेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से एनपीए बढ़ते हैं, लोग भाग जाते हैं, जो हमने लगातार देखा है। वो इसलिए कि उसमें से बहुत सारा पैसा ब्लैक के रूप में फिर सरकारों के सत्ताधीशों के उस पॉलिटिकल पार्टीज के पास आता है जो चुनाव में वो रोटेट करते हैं। लेकिन आम आदमी जो भुखमरी की कगार पे है उससे तो पैसा ले नहीं सकते, तो फिर उसका कर्जा माफ होता है। किसान चुनाव के समय जो किसान कर्जा देने की स्थिति में भी है तो भी वो कर्जा वापस नहीं करता। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकता है वो भी नहीं भरता, वो बोलता चुनाव आ ही रहा है अभी ये माफ कर देगा। कोई बुआई करके दिखाए मुझे आज के डेट में। तो ये आप रिश्वत के तौर पे देते हैं, मैं इसको रेवड़ी मानता हूं। दूसरी बात, मैं आपको तेलंगाना ले चलता हूं। तेलंगाना में तेलंगाना सरकार प्रति एकड़ 10,000 रुपए देती है साल में, 5,000 रुपए रबी के, 5,000 रुपए खरीफ के। 10,000 रुपए प्रति एकड़ किसान बड़ा हो किसान छोटा हो, एकड़ एकड़ है 10 मिलेंगे, 50 एकड़ है 50 5 लाख रुपए मिलेंगे। वह सीलिंग है, लैंड सीलिंग, तो 50 से ज्यादा एकड़ से ज्यादा नहीं ले सकता जमीन। लेकिन जब आप 50 10,000 रुपए देते हो प्रति एकड़ तो मालूम है कि उसका उतना खर्चा है, तो फिर वो कर्जा नहीं लेगा। कर्जा नहीं लेगा, उसको पानी और बिजली फ्री है, तो वहां जीडीपी में पिछले जब से युवा राज्य है वहां जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है वो 200% की हुई। जब सरकार के पास पैसा आता है तो सरकार और भी एडिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं देते हैं। जब अरब देशों में जब पेट्रोल का पैसा इतना आ गया कि उन्होंने टैक्स, कई जगह टैक्स रिजिम है ही नहीं, टैक्स ही खत्म कर दिया, कोई इनकम टैक्स नहीं वहां पे, क्योंकि बहुत पैसा है। आपने कभी उसको लॉजिस्टिकली उपयोग नहीं किया, आपने ये नहीं सोचा कि ये 6,000 रुपए देके मैं, 6,000 रुपए भी वेस्ट है, वो 6,000 रुपए का खाना खाने में वेस्ट कर देता है, 6,000 रुपए का कोई काम ही नहीं है। अरे तो कम से कम वर्तमान प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं रेवड़ी की बात करने का। 15 लाख रुपए जुमला हो सकता है, लेकिन फ्री का गैस सिलेंडर किसने शुरू किया? फ्री का गैस सिलेंडर आपने देना शुरू कर दिया, वो रेवड़ी थी। अनाज तो साहब ने अभी बताया कि जरूरत भी थी, अनाज जरूरत थी, लेकिन फिर एक एक समय आने पे अनाज विड्रॉ करना था, आपको यूपी का इलेक्शन था, आपने अनाज एक्सटेंड कर दिया। क्या वो जरूरत थी यूपी के इलेक्शन के समय जब आपने कोविड का पूरा प्रोटोकॉल विड्रॉ कर दिया था और पूरा देश काम करने पे लगा हुआ था? आपने वो अनाज एक्सटेंड कर दिया, अब वो दिवाली तक जाएगा। मैं कहता हूं अब आप वो केजरीवाल जाके बोल रहा है मैं 300 लीटर दूंगा और 300 यूनिट दूंगा फ्री, तो आपको तकलीफ हो रही है। जब आपने बिहार में कहा कितना दूं, 100 करोड़ दूं, 200 करोड़ दूं, 1,000 करोड़ दूं, तो आप करें तो सदाचार, दूसरा करें तो व्याभिचार, ये तो नहीं चलेगा। आपकी सरकार ने क्या किया? सवाल हमको, हमको पूछने का अधिकार है। आप ये सब रेवड़ी बांटते हो ना, तो कम से कम तेलंगाना सरकार ये नहीं कहती कि हमने कर्ज लेके बांटा है। मैंने डेब्ट रेशो देखा है तेलंगाना का, जीडीपी डेब्ट रेशो सबसे कम है। हमारे देश पर प्रधानमंत्री जी आए तो 54 लाख करोड़ कर्जा था, 78 लाख करोड़ इन्होंने उठाया है। अब जाके 130 135 लाख करोड़ है, पर हेड 1,33,000 कर्जा हो गया है। ये जब गुजरात में थे तो गुजरात का मॉडल यही था, केशु भाई पटेल ने जब छोड़ा तो कर्जा नहीं के बराबर था, और जब ये छोड़ के आए तो गुजरात में इतना कर्जा है आज तक उनको नानी याद आ रही है डेब्ट सर्विसिंग के वक्त करते वक्त। तो ये रेवड़िया आप बांटते हो, लेकिन आपको रेवड़िया बोल के ये बार बार दूसरे को इंगित करते हो आप कि ये लोग रेवड़िया बांट रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में एक बात हो रही थी कि क्या हम लंका की तरफ जा रहे हैं, क्या हम लंका के क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं? यकीनन जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अब अपने हाथ झटकना शुरू करना शुरू कर दिए, रेवड़ी बांट रहे हैं। अब केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है इसलिए ये हो रहा है, फला देश में ये बांट रहा है वो हो रहा है। साइकिल बटी तो बिहार में और रेवड़ी नहीं थी,
तो ये तमाम चीजें आपको ये देखना होगा कि जो आप चीजें देते हो पब्लिक वेलफेयर से उसको वाकई वेलफेयर होता या नहीं। क्योंकि न्यायालय ने टिप्पणी की थी यदि अनाज सड़ रहा है तो गरीबों में फ्री में बांटो, तो उन्होंने बांटा। लेकिन जिस किसान भाइयों ने अनाज बांटने की स्थिति में लाया इस देश को, वो जब अपने आंदोलन में 700 लोग मर जाते हैं तो प्रधानमंत्री बोलते मेरे लिए मरे क्या, अपने आंदोलन के लिए मरे। और ये कोर्ट वो गवर्नर करता है जिसका खंडन ना बीजेपी करती है ना प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। तो ऐसे लोगों को क्या है बोलने के लिए। मैंने तो बोला 2014 से जब भी सरकार मुंह खोलती है तो झूठ बोलने के लिए खोलती है। ये रेवड़ी का जुमला भी झूठी है।